अरविंद अकेला कल्लू ने कल एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने चेहरे की चोट, अपने कान के पीछे की चोट लोगों को दिखाई और ये कहा कि रेस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें उनके साथ एक हादसा हो गया जिस वजह से उन्हें इतनी चोट आ गई। और उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने एक और पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब वो पहले से काफ़ी ठीक है। जैसे ही उन्होंने ये सारे पोस्ट किए उसके बाद उनके फैंस से का मैसेज करने का तांता लग गया। लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से पहली वो कौन सी एक्ट्रेस जिन्होंने अरविंद का हाल चाल पहले पूछा, यानी कि पहली वो एक्ट्रेस कौन सी थी, तो आइए बताते हैं। वो कोई और नहीं, काजल राघवानी थी। काजल राघवानी ने जैसे ही पोस्ट देखा वैसे ही तुरंत अरविंद अकेला कल्लू से उनका हाल समाचार पूछा। और काजल के बाद तो मानो भोजपुरी इंडस्ट्री में तांता ही लग गया। रितेश पांडे, अंजना सिंह, मधु शर्मा और निधि झा जैसे कई बड़े सेलिब्रिटी ने कल्लू का हाल समाचार पूछा। उसके बाद और भी कई जो हमारे भोजपुरी के सेलिब्रिटी हैं उनमें से नीलकमल सिंह, यादव राज राइटर और अवधेश मिश्रा, देव सिंह, संजय पांडे जैसे कई कलाकारों ने इनका हाल समाचार पूछा। और उसके बाद आज लोगों ने कई सवाल खड़ा कर दिए, जैसे कि भोजपुरी में बड़े सेलिब्रिटी निरहुआ को छोड़ दे और रितेश पांडे को छोड़ दे तो बड़े सेलिब्रिटी यानी कि यहाँ बात खेसारी और पवन की हो रही है, उन्होंने हाल समाचार क्यों नहीं पूछा। ये सारी चीज़ें अब जो है नेट पर, इंटरनेट पर काफ़ी ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं खेसारी और पवन। आपको बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि लोग किसी पोस्ट में हाल समाचार पूछे, फ़ोन कर कर भी हो सकता है खेसारी और पवन ने हाल समाचार पूछा हो। हमारे पास इसके पुख्ता सबूत नहीं है तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता हो पूछा हो। लेकिन हाँ, फिलहाल लोग आजकल जो देखते हैं वही मानते हैं। तो यहाँ पर तो ना खेसारी ने ना पवन ने, दोनों ने नहीं, अरविंद अकेला कल्लू का हाल समाचार पूछा है तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे बड़े सेलिब्रिटी ने। तो इसलिए आज के दिन खेसारी और पवन काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।